Assalamu alaikum, this is Ruhel and today's topic is leadership attitude. There are so many skills are available on social media. Just go there and find out, you will find so many. So you will assist if you want to be a leader. But right now we are discussing leadership attitude. There is an example, there is a lion and an elephant in a jungle. Now when the elephant lion ko dekhta to kehta hai bhai lion aa raha hai, sher aa raha hai, mujhe kha jayega. But lion jab elephant ko dekhta hai, jabki comparatively bhari hota hai. एलिफेंट उससे लॉयन से, बट फिर भी लॉयन ये सोचता है कि ईजी सा एक टारगेट है, मैं इसको पकड़ूंगा और खा जाऊंगा। अब आपका एटीट्यूड और आपकी थिंकिंग डिसाइड करती है कि आप आगे चल के लीडर होंगे या नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग कि कल जो पेपर है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई एम नॉट एबल टू गेट इट डन। तो फिर आप यू आर ऑलरेडी फेल्ड माई डियर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी सोच से अपने आप को फेल कर लिया है। अब लीडर की हम एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लेते हैं, टपाल स्टूडेंट एंड बंदूक कबाब। टपाल ने अपना काम स्टार्ट किया था जूड़िया बाज़ार से, एक छोटी दुकान थी चाय की पत्ती, आज देख लीजिए माशाल्लाह कितनी बड़ी कंपनी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कोई चीज़ मुश्किल है। इसी तरह स्टूडेंट बिरयानी ने अपना काम स्टार्ट किया एक पिकअप सुजुकी से, इंटरबोर्ड से या फिर कॉलेज से बाहर खड़े होते थे उन लोग, उन्हीं से परचेज करके और बिरयानी खा लेते थे, और आज देख लीजिए उनके कितने सारे आउटलेट हैं एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड। बूंदू कबाब के भी अपने रेस्टोरेंट्स हैं, पहले एक था अब माशाल्लाह कितने सारे हैं। तो कभी भी कोई चीज़ हासिल करने के लिए ये ना सोचें कि ये चीज़ मुश्किल है। अपनी ज़िंदगी में भी कोई चीज़ हासिल करने के लिए ये ना सोचें कि कोई चीज़ मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी एस एस का हम सोचते हैं कि सी एस एस इज़ वेरी टफ एंड वी आर नॉट एबल टू कम्प्लीट इट, बट सब चीज़ें बहुत आसान होती है। सी ए का भी हम ये सोचते हैं, एम बी बी एस का भी हम ये सोचते हैं, एम बी ए का भी हम ये सोचते हैं, और डिफ़िकल्ट करते हैं बी कॉम को भी। बी कॉम जबकि बहुत आसान एक फील्ड है, मतलब इन अ सेंस एक पढ़ाई है, एक स्टडीज है जो ग्रेजुएशन आप करते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट यू नीड टू गिव इट सम टाइम। आप रिसर्च कीजिए, अब तो सोशल मीडिया है, जो बच्चे बी कॉम कर रहे हैं और फिर भी सोच रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है। और जब वो आई यूज़ टू बी अ इन्विजिलेटर इन कराची यूनिवर्सिटी, जब मैं वहाँ पर एक एग्ज़ाम में गया था बी कॉम के ही, तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे बड़े जो लड़के तो नहीं कहूँगा आदमी बैठे हुए थे, इनके बाल भी सफ़ेद हो गए थे एंड दे आर नॉट एबल टू गेट इट पास्ट देयर बी कॉम। मुझे नहीं पता कि क्यों था, बट उन्होंने ये सोच लिया था, शायद उनकी थिंकिंग थी कि यार बी कॉम बहुत मुश्किल होता है और उसको हम नहीं कर सकते। अगर आप पहले से सोच रहे हैं बी कॉम मुश्किल है या फिर कोई पढ़ाई मुश्किल है, तो फिर आप किस तरह आगे उसको अचीव कर पाएंगे, उस डिग्री को जो कि आप चाहते हैं। और इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कम्प्लीट योर ग्रेजुएट और मास्टर इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीट योर ग्रेजुएशन देन यू कैन नॉट टेक एनी प्रमोशन फ्राम योर कंपनी। वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट करें, MBA करें या फिर आगे ज़्यादा पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, आजकल करंट सिचुएशन ये है कि हम लोगों को पढ़ाई के बाद भी जॉब्स नहीं मिलती, अब वो तो है, वो क्या कर सकते हैं। देन यू नीड रेफरेंसेस, अगर जिनके पास रेफरेंसेस है और वो इंटर भी हैं तो वो मैनेजर बन जाते हैं, और बहुत सारे लोग जिन्होंने MBA किया है वो उनके अंडर काम करते हैं क्योंकि उनके पास रेफरेंसेस है, या फिर पैसा है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। एक पठान या फिर कोई सा भी एक कम्युनिटी का बंदा जो है, जो कि हाईली रिच पर्सन है, तो वो एक बिज़नेस स्टार्ट करेगा और अपने अंडर जो मैनेजमेंट में होंगे वो सारे MBAs होंगे, PhDs होंगे और CA किया हुआ होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होंगे और वो काम कर रहे होंगे। बट हम जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। आप ये सोच लीजिए आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप जस्ट यू नीड टू प्लान योर फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर को प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप आगे चल नहीं पाएंगे। होता है स्टार्ट में आपको बहुत मुश्किल आएंगी, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं, लेकिन एट सम टाइम आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। अगर आप पहले से सोचेंगे यार नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा और इसमें कोई सक्सेस नज़र नहीं आ रही, आप इसको छोड़ देना चाहिए यार, कोई दूसरा काम कर देना चाहिए, नो, नेवर लूज योर होप, बिकॉज देयर इज अल्लाह। अल्लाह विल प्रोवाइड यू इन एवरीथिंग, अल्लाह विल गिव यू सक्सेस, जस्ट यू नीड टू कमिट योर सेल्फ, बी कमिटेड, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द सक्सेस। पहले से कभी भी किसी चीज़ को मुश्किल ना सोचें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें बहुत आसान हैं। जस्ट थिंक लाइक लीडर इज़ थिंकिंग, अगर लीडर्स की तरह आप सोचेंगे तो इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू। हमेशा अल्लाह पर इत्माद रखें और काम को स्टार्ट कीजिए, कभी भी ये ना सोचें कि ये मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़।